नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। मधुपुर उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से हो गया शुरू। मतदान के लिए प्रशासन की ओर सुरक्षा के बंदोबस्त। मतदान सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक होगा। कोरोना पॉजिटिव मरीज भी कर सकेंगे मतदान। उनके लिए मतदान का आखिरी 1 घंटा यानी शाम को 5 बजे से 6 बजे तक निर्धारित किया गया। कोरोना पीड़ित मरीजों को अस्पताल से मतदान केंद्र तक लाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। वहीं कोरोना को देखते हुए मतदान कर्मियों को सुरक्षा किट भी दिया गया। सभी मतदान केंद्रों में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। सभी को कोरोना गाइडलाइंस के तहत बचाव सामग्री का भी वितरण किया गया। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच में बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग जारी। वोटिंग को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। इस चरण में 342 उम्मीदवार आजमा रहे किस्मत। कई दिग्गज उम्मीदवार हैं मैदान में। 5वें चरण में 45 विधानसभा सीटों पर चल रहा मतदान। इस चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर हो रहा है मतदान। उत्तर 24 परगना जिले में सबसे ज्यादा 16 सीटों पर चुनाव। वहीं पूर्वी वर्धमान और नदिया में 8-8 सीटों पर वोटें। इसके अलावा दार्जिलिंग में 5 सीटों पर, कालिम्पोंग में 1 सीट पर और जालपाईगुड़ी में 7 सीटों पर मतदान जारी। 5वें चरण में करीब 1.13 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। राज्य में 6 जिलों में मतदान। 5वें चरण के मतदाताओं में 57 लाख पुरुष और 56 लाख महिलाएं शामिल। इस चरण में अलग अलग जिलों में 15,789 बूथों पर मतदान। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा पुख्ता। सितलकुची गोलीकांड के बाद चुनाव आयोग ने 5वें चरण में सुरक्षा और भी बढ़ाई। पोलिंग बूथ पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। 5वें चरण के मतदान में 11 और पुलिस पर्यवेक्षक तैनात। कूचबिहार जिले के सीतलकुची में घटना के बाद से आयोग बेहद सतर्क। 5वें चरण के मतदान में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 853 कंपनियां तैनात और 15,970 राज्य पुलिस भी जवान तैनात। चुनाव आयोग ने इस चरण में सभी बूथों को संवेदनशील घोषित किया। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए कदम उठाया गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर चुनाव आयोग सख्त। मतदान के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने के निर्देश। चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान मास्क लगाने की अनिवार्य, सैनिटाइजर रखने का सख्त निर्देश। 5वें चरण के मतदान के दौरान वयस्क मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई। 5वें चरण के मतदान में दिग्गजों की किस्मत दांव पर। कमरहट्टी विधानसभा सीट पर टीएमसी के मदन मित्रा का बीजेपी के आनंदिया राजू बनर्जी से कड़ा मुकाबला। ये चरण राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी इस चरण की सीटों पर टीएमसी को बढ़त मिली थी। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले नए ऑडियो टेप से सियासी भूचाल। बीजेपी का दावा, ममता ने सीआरपीएफ फायरिंग में मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली करने की बात कही। वहीं 6ठे चरण का चुनाव 22 अप्रैल और 7वें चरण का चुनाव 26 अप्रैल को है, जबकि 29 अप्रैल को आखिरी चरण का मतदान किया जाएगा, जबकि 2 मई को मतगणना होगी। आज पीएम मोदी 2 चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। आसनसोल और गंगारामपुर में रैलियों को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में अमित शाह का रोड शो, 6ठे चरण के लिए मांगा वोट। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू, जरूरी सुविधाओं को छोड़कर सोमवार तक 6 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान अक्षरधाम, लक्ष्मीनगर और आईटीओ में सन्नाटा, सुरक्षा पर कड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस ने जरूरी कार्य करने वाले लोगों के लिए कोविड हेल्पलाइन शुरू किया। ये हेल्पलाइन नंबर पुलिस मुख्यालय में प्रारंभ किया गया। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर चलाया जांच अभियान। इस दौरान बॉर्डर पर लगा जाम। दिल्ली में हर दिन रिकॉर्ड बना रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में 19,486 नए मामले, 141 लोगों ने तोड़ा दम। राजधानी में कुल 61,000 के पार एक्टिव केस। दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बदइंतजामी की तस्वीरें। मरीजों को अस्पताल में लगा रहे चक्कर। जीटीवी अस्पताल के बाहर लापरवाही के चलते मरीज ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 63,000 से ज्यादा नए मामले, 398 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना संक्रमण से 27,426 नए मरीज। एक दिन में कोरोना से 103 मरीजों की मौत। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी। कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी। कंटेनमेंट जोन और लॉकडाउन के तय किए गए नियम। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी कोरोना पॉजिटिव। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आने वाले लोगों से टेस्ट कराने की अपील। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कोरोना विस्फोट। शादी में पहुंचे 500 लोगों में से 135 की रिपोर्ट पॉजिटिव। बलौदा बाजार के सत्तीगुड़ा गांव की सील।
यूपी में सभी नॉन कोविड निजी अस्पतालों को प्राइज और होल्डिंग एरिया बनाने के निर्देश, जिसमें 10% बेड के साथ ऑक्सीजन, HFNC, बाईपेप और वेंटिलेटर की व्यवस्था। कोरोना के चलते दिल्ली नगर निगम के बोध घाट पर बढ़ी शवों की संख्या में दाह संस्कार, लोगों की लंबी लगी कतार, सभी अपनी बारी का कर रहे इंतजार। यूपी में लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट की दिल दहला देने वाली तस्वीर प्लेटफॉर्म भरने की वजह से अब गैलरी में जलाए जा रहे शव। भोपाल में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, अस्पताल भी हो गए हैं फुल, इलाज के लिए सबसे ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड। छत्तीसगढ़ के राजगढ़ में कलेक्टर नीरज सिंह ने अपने हुनर से बचाई मरीज की जान, 6 महीने से बंद पड़े 4 वेंटिलेटर में 2 वेंटिलेटर को किया ठीक। बढ़ते कोरोना को लेकर अजमेर प्रशासन का बड़ा फैसला, ब्रह्मा जी का मंदिर और अजमेर शरीफ दरगाह को श्रद्धालुओं के लिए किया गया बंद। यूपी के कानपुर के मंदिर में कोरोना से बचाव को लेकर देवी देवताओं को पहनाया जा रहा है मास्क, पुजारी ने श्रद्धालुओं को मूर्तियों को छूने से किया मना। झारखंड में कोरोना की रफ्तार नॉनस्टॉप, 24 घंटे में मिले 3,843 नए मामले, 56 लोगों की मौत। राजधानी रांची में मिले 1,372 नए केस, सूबे में कुल 23,045 एक्टिव केस। बिहार में एक बार फिर से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ रिकॉर्ड पार, 6,000 के पार आया मामला, पिछले 24 घंटे में 6,253 नए मामले आए सामने। राजधानी पटना में पिछले 24 घंटे में 1,364 नए केस मिले, बिहार में कुल 33,465 एक्टिव केस। वहीं रिकवरी रेट में गिरावट दर्ज की गई, रिकवरी रेट 88.57% पहुंचा। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार के हाई लेवल मीटिंग, कहा सर्वदलीय बैठक में भी सभी दलों की राय लेंगे, आला अधिकारियों के साथ करेंगे फिर से मंथन, सलाह मशवरा के बाद ही लिया जाएगा उचित फैसला। IMA ने की बिहार में लॉकडाउन की सिफारिश, कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कड़े एक्शन में बताई जरूरत, IMA के नेशनल प्रेसिडेंट ने कहा लॉकडाउन नहीं तो कर्फ्यू लगाए सरकार। बिहार में लॉकडाउन लगाने पर कांग्रेस में मतभेद, प्रेमचंद मिश्रा ने की सिफारिश तो राजेश राठौर ने किया इनकार, RJD ने दी नियमों को और कठोर बनाने की सलाह। बिहार में कोरोना से हाहाकार, बढ़ रही मृतकों की संख्या, 15 दिन में 101 लोगों की गई जान, संक्रमितों की कुल संख्या पहुंची 29,000 के पार। राजधानी पटना के दो बड़े अस्पतालों में कोरोना मरीजों की लगी लाइन, NMCH में बंद कर दिया गया रजिस्ट्रेशन तो PMCH में मरीजों के डिस्चार्ज होते ही फुल हो जा रहा बेड। कोरोना मरीजों के लिए आज से पटना में 150 बेड, भागलपुर गया के सरकारी अस्पताल में होंगे कोविड डेडिकेटेड, मेडिकल कॉलेज में लगेगा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ बक्सर जिला पदाधिकारी की सख्ती के बावजूद स्टेशन परिसर में प्रवासी मजदूरों के भागने का सिलसिला जारी। पटना के प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, कई अस्पतालों में मरीज भर्ती करने के नाम पर किया इनकार, जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी। दानापुर में निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कमी, एक मरीज की मौत के बाद मचा हड़कंप, DM ने कहा सिलेंडर की नहीं है कोई कमी, जरूरत के हिसाब से की जा रही व्यवस्था। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए पटना में शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला, स्कूलों में सिर्फ 1/3 शिक्षकों को बुलाने का फैसला। औरंगाबाद के DM ने सिरिस स्थित कोविड केयर सेंटर के आइसोलेशन वार्ड का किया औचक निरीक्षण, वहां सुविधाओं का लिया जायजा। मुंगेर में 122 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई सामने, वहीं पर जिले में अब 730 हुए एक्टिव केस। वैशाली में DM, DDC और SDO ने कोविड कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण, कोविड कंट्रोल सेंटर में मरीज ले सकेंगे जरूरी सलाह और इलाज। मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण के बीच अस्पतालों में व्यवस्था को लेकर नगर विधायक ने दिया धरना, कांग्रेस कोटे से बने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। सासाराम के ऐतिहासिक शेरशाह मकबरा परिसर को 15 मई तक किया गया बंद, मकबरा परिसर के मुख्य गेट पर जड़ा ताला। सीवान में संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की DM ने की अपील, इस दौरान DM ने अंदर प्रखंड जाकर बाजार में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन मामले में 8 दुकानों को किया सील। झारखंड सचिवालय में मिनी लॉकडाउन की मांग, कहा संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मांग नहीं मानने पर 19 से 23 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश की चेतावनी। धनबाद जिले में अब तक 2,15,000 लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आंकड़ा। रांची के सदर अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाने के बाद उपायुक्त और उप विकास आयुक्त जगन्नाथ हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड का जायजा लिया। चक्रधरपुर में जारी है मास्क जांच अभियान, फिर भी नहीं सुधर रहा, लोग मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला जुर्माना। धनबाद में जुर्म की पहली नवाज में उमड़ी नवाजियों की भीड़, हालांकि मस्जिद कमेटी की नवाजियों को मास्क लगाकर अनिवार्य किया। गिरिडीह के मोहनपुर में स्थित वनांचल कॉलेज में कोरोना कहर के बीच परीक्षा के नाम पर गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां, जगह जगह कम पड़ने पर जमीन पर उठाकर ली गई परीक्षा।
कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण से के बीच में डोमचांच के महिला डिग्री कॉलेज में इलाजरत 28 संक्रमितों के स्वास्थ्य होने पर डिस्चार्ज किया गया। स्वस्थ हुए मरीजों को फूलमाला पहनाकर विदाई दी गई। दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन के S2 कोच में शुक्रवार को लगी भीषण आग, आग लगने से पूरा बोगी जलकर हुआ राख। हालांकि समय रहते बोगी में सवार लोगों को नीचे उतार लिया गया, कोई जानमाल की हानि नहीं। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद स्टेशन परिसर में हर तरफ अफरातफरी। चाईवासा के चक्रधरपुर केरा गांव में ईट भट्टा में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर मजदूर की हत्या की और हत्या लहराते मौके से फरार हो गए। मोतिहारी जिले के नगर थाना क्षेत्र के सामने रानी हॉस्पिटल में बच्चे के इलाज के लिए आए परिजनों ने और अस्पताल के डॉक्टर के कंपाउंडर के बीच हुई भिड़ंत, दोनों पक्षों में दर्ज कराया मामला। मुंगेर में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट, रेलवे की जमीन पर कब्जे की लड़ाई में दो गुटों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले, झड़प में दो लोग घायल। सिवान की सांसद कविता सिंह के घर पकड़े गए तीन बदमाश, पकड़े गए बदमाशों में से एक के पास से राइफल बरामद। किशनगंज में पुलिस ने किया फर्जी अपहरण कांड का खुलासा, कर्ज से परेशान व्यापारी ने रची अपहरण की साजिश, खुद का अपहरण करवाकर पिता से मांगी फिरौती, व्यापारी समेत तीन लोग गिरफ्तार। मुंगेर के लड़ैयाटांड थाना क्षेत्र के खोपावर गांव में सामुदायिक भवन के पास एक शव मिले से फैली सनसनी, शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। लखीसराय में भूसा लदे पिकअप वैन से हो रही थी शराब की तस्करी, 30 कार्टन विदेशी शराब को किया बरामद, तीन धंधेबाज अरेस्ट। छपरा में मशरक में जमीन विवाद में जमकर हुई मारपीट, एक महिला सहित तीन लोग घायल। मुंगेर में छत से गिरने पर हुई महिला की युवक की मौत, वासुदेवपुर ओपी क्षेत्र के नया गांव स्थित जर बेहिरा गांव की घटना। गोपालगंज पुलिस ने कई चोरी कांड का किया खुलासा, चोरी के मोबाइल नकदी कीमती सामान को किया जब्त। सासाराम में सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति दुर्घटनाग्रस्त, मौके पर पति की हुई मौत जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल। नवादा के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में 14 चक्का ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, बरामद शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए से ऊपर बताई जा रही है। कैमूर में मोहनिया पुलिस ने चार बाइक समेत चार बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, अन्य चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नगड़ी और तमाड़ थाना क्षेत्र के 10 किलोग्राम अफीम हुआ बरामद, मामले में चार तस्कर गिरफ्तार। बोकारो में एक रेलवे कर्मचारी हुआ लापता, कर्मचारी का सामान सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के कुलिंग पोन के पास मिला, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गुमला पुलिस ने चार आरोपियों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार, आरोपियों पर गोलीबारी करने दहशत फैलाने का आरोप। जमशेदपुर में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी धनवासी से गिरफ्तार, टाटा स्टील कंपनी में था कार्यरत, पत्नी और दो बच्चियों ट्यूशन टीचर की बेरहमी से की हत्या। पाकुड़ में महिला से गैंगरेप, 11 लड़कों ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। सिमडेगा में पारा टीचर की गोली मारकर हत्या, लेवी मांगने आए अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस कर रही मामले की जांच। चतरा में चिलचिलाती धूप के बीच आग ने मचाई भीषण तबाही, असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का शक, आग लगी की इस घटना में बांस के कई पेड़ जले। धनबाद के मुनिडी में यज्ञ स्थल से 6 महिला चोर को ग्रामीणों ने धर दबोचा, ग्रामीणों ने चोरों को किया पुलिस के हवाले। भोजपुर पुलिस ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए चलाया चेकिंग अभियान, इस दौरान बिना हेलमेट और बिना मास्क वालों पर की जाएगी कार्रवाई। मुंगेर में रमजान के पहले जुमे को लेकर मौके पर अकीदतमंदों ने DIG के संदेश का एक कोरोना के चलते कारण मस्जिद को किया बंद, ऐसे में सभी ने 2 वक्त की नमाज घरों पर ही पढ़ी। बेतिया में बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन मार्च, सफाई कर्मियों ने नगर प्रशासन पर भेदभाव का लगाया आरोप। सीतामढ़ी जिले में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को DM ने दी सफलता के टिप्स, सभी छात्रों को किया सम्मानित। औरंगाबाद में शुक्रवार से नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व चैत्र छठ की शुरुआत की गई, कोरोना की वजह से श्रद्धालु घर नहीं मना रहे छठ पर। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव में इस बार छठ मेले का आयोजन नहीं होगा, जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते कारण यह फैसला लिया।